हेलो एंड वेलकम टू आरजे पायल्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम लाजवाब, लबालब और एकदम मस्त साबुत प्याज की सब्जी, जिसे आप भरवा प्याज की सब्जी भी कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने छोटे साइज के प्याज ले लिए हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप इस तरीके से मीडियम साइज के प्याज भी ले सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, इन्हें अच्छे से छील के धो लिया है और अब इन्हें हम बीच में से चीरा लगाएंगे। पूरा नहीं काटना है, सिर्फ हल्का हल्का सा चीरा ही लगाना है। नीचे का छोड़ दीजिएगा पार्ट। इस तरीके से सारे प्याज पे हम चीरा लगा देंगे और उसके बाद हम इस बोल को साइड में रख देते हैं। अब साथ ही मैं यहाँ पर दूसरा बोल ले रही हूँ, इसमें मसाले हम लोग मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं लूँगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही लेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और अब हम लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आपको पूरी सब्जी में जितना भी डालना है आप इसी टाइम पर लीजिएगा। इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। जैसे ही मसाले मिक्स हो जाएंगे हम ये प्याज ले लेंगे जिन पर हम लोगों ने चीरा लगाया था, और ये जो मसाले हैं हम प्याज के अंदर भर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, एक एक चुटकी बस मसाला उठाइएगा और प्याज के अंदर भर दीजिएगा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रेवी के साथ जब हम इस प्याज को खाएंगे तब ये हमें फीके फीके बिल्कुल भी ना लगे। इनका एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है, आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरीके से एक एक चुटकी मसाला जो है वो आप प्याज के अंदर भर दीजिए, बाकी का जो मसाला है वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। मसाले भरने के बाद इनको हम साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम पर। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा प्याज जिसमें हमने मसाला भर के रखा था वो प्याज को हम इस पैन में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें प्याज को स्लाइटली ब्राउन होने तक, यानी हल्का हल्का ब्राउन होने तक सेक लेना है। थोड़ी देर बाद इसे आप पलट दीजिए, बहुत ज़्यादा आप इन्हें ब्राउन मत कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही हमें इन्हें ब्राउन करना है दोनों तरफ से पलट पलट के। आप इन्हें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से सेक लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें अलग से प्लेट में आप निकाल लीजिए और अब इन प्याज को हम साइड में रख देंगे। चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच तेल मैं ले रही हूँ कढ़ाई में। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, साथ ही मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच हींग। जैसे ही जीरा चटकने लग जाए हम यहाँ पर लेंगे 3 टमाटर, 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्ची। इनका हम मिक्सी में पेस्ट तैयार कर लेंगे और इस पेस्ट को भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम मीडियम पर ही रहेगा, इसे अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, टमाटर अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। फ्लेम मीडियम पर रहना चाहिए और टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। आप देख सकते हैं टमाटर का पानी अच्छे से सूख गया है। इस समय पर हम सारे के सारे मसाले जो हमने पहले ही मिक्स करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। दोबारा हम इसे लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मसाले भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 3 चम्मच दही। ये फैटा हुआ दही हमने लिया है और जब दही डालें तब याद रखिएगा फ्लेम एकदम लो पर होना चाहिए और दही डालने के बाद हमें 2-3 मिनट तक इसे लगातार चलाते रहना है ताकि जो दही है वो फटे ना। ये देखिए, दही भी एकदम पककर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जिन्हें हमने पहले ही सेक कर रख लिया था। प्याज और ग्रेवी को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी मसाला है वो प्याज के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद एक बार सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं और अब इन सबको हम ढककर मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट का समय हो गया है, सब्जी को एक बार हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए, वाह,
कितना प्यारा कलर आया है सब्जी का, और सब्जी बनकर एकदम बढ़िया सी तैयार हो चुकी है। इसे एक बार हम इस तरीके से मिक्स कर देते हैं, और लास्ट में अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें डालना है 1 चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है उसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। और लीजिए हमारी बढ़िया सी साबुत प्याज की सब्जी, या कहें कि भरवा प्याज की जो सब्जी है वो बनकर एकदम तैयार है। आप इसे पूरी, पराठा या सिंपल फुलके के साथ में आप इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।